औरंगाबाद में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 131 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,666 हो गई है। तेजी के साथ बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के बाद जिला प्रशासन ने अब अपना पूरा ध्यान कंटेनमेंट जोन पर केंद्रित कर लिया है। साथ ही सभी 36 कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ा दी गई है। इस क्षेत्र में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और उन इलाकों के सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच भी कराई जा रही है। जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि बढ़ते आंकड़ों के मद्देनज़र जांच के दायरे को भी अब बढ़ा दिया गया है और अब हर रोज कम से कम 6,000 सैंपल जांच के लिए संग्रहित कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में रहकर खुद को सुरक्षित रखें, बिना वजह के बाहर कहीं नहीं जाएं और कोरोना वायरस के संक्रमण चैन को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव केस आया है, ये बात ही काफ़ी संभावना है कि उसके आसपास ही बाकी केस होंगे। अगर उनको हम टाइम से कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जो बीमारी है उसको जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और बाकी राज्यों में भी यही स्ट्रेटजी अपनाई गई है। उसी को लेकर हमने शहर के जितने भी हमारे पॉजिटिव केस आए थे उनके जितने भी कंटेनमेंट जोन हमने डिसाइड किए थे उसमें मास लेवल पर टेस्टिंग कराई है और जब तक ये टेस्टिंग ना हो जाए, जब तक ये कार्रवाई पूरी ना हो जाए, हम लोग बैरिकेडिंग लगा के उस कंटेनमेंट जोन को बंद करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि अंदर ही जाएँ और ताकि हम लोग वहाँ पर टेस्टिंग करा सकें।